भाजपा विधायक दल की बैठक में बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर खूब हमला किए और बोले कि सदन में मुख्यमंत्री को घेरना है। सरकार आज से नहीं, 2013 से वो राजनीति कर रही है। 2013 में आप सब लोगों को पता है, जब अर्जुन मुंडा के साथ वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वही स्थानीय नीति को लेकर के 1932 को लेकर के सरकार को उन्होंने गिरा दिया था, और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई, यूपीए गठबंधन की सरकार बनाई, झारखंड में भी उनकी सरकार थी, दिल्ली में भी उनकी सरकार थी, यूपीए गठबंधन की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी। 13 और 14 वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं किया। और जब बीजेपी की सरकार बनी 14 से लेकर के 19 तक, तो लगातार वो हल्ला करते रहे, और 2019 में जब उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो 3 वर्षों तक यूं ही ऐसे पटरी पर वो सोते रहे। जब जनता आवाज उठाते रही, तो आपने देखा किस प्रकार की नीति बनाई, उस नीतियों का क्या असर हुआ, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया है, विधायक दल ने, कि कल से हम लोग नियोजन नीति को लेकर के आवाज उठाएंगे, स्थानीय नीति को लेकर के आवाज उठाएंगे। भाई, राज्य सरकार को विधि सम्मत बनानी चाहिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति। आज सड़कों पर नौजवान भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, अंधेरे में हैं। पर मुख्यमंत्री की ओर से किसी ऐसे संकेत नहीं मिले, या फिर हो सकता है कि सस्पेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या है, बोलिए। हाँ सर, कैसा रहेगा ये बजट, क्या उम्मीद रखे हैं आप? अभी सब बताएंगे तो बाकी दिनों के बारे में आप उत्सुकता खत्म हो जाएगी। बाकी राज्य के लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये कहना क्या, देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है, जान भी रहा है, आप भी जान रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। मुझे इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यह बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। अब देखना है कि हेमंत सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए कौन सी नियोजन नीति लाती है और उसमें क्या रहता है। इसका इंतज़ार यहाँ के युवाओं को भी है, और हमें भी, और आपको भी ज़रूर होगा।